तो यहाँ पे कॉफी बन रहा है बहुत हाई क्वांटिटी में और ये लोग रास्ते में चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने भी दे दिया 100। ये अफ्रीकन बादाम बहुत स्वादिष्ट है देखो। तो ये पकौड़ा लिया मैंने 14 रुपए में। सेनेगल का आर्ट और फैशन बहुत ही फेमस है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक दुकान पे आ गए जहाँ पे बहुत सारे फैशन की चीजें बन रही हैं। स्वागत है असली अफ्रीका में। अफ्रीका का बड़ा देश सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में सबसे वेस्ट में यही देश आता है। और यहाँ पे मैं पहुँच गया था मॉरिटानिया से लैंड प्रोडक्ट्स करते हुए। यहाँ पे इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए और यहाँ पे थोड़ा घुस घुस का सीन है। आने के बाद मैंने इसका लोकल करेंसी निकाल लिया। अच्छा वैरायटी में दिए इन लोगों ने। और अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में सेंट लुइस जो इसका सेकंड बिगेस्ट सिटी और सेकंड मोस्ट टूरिस्टिक सिटी है सेनेगल में। तो ये है सेनेगल का मैप, आप देख सकते हो बीच में जो ये वाला लाइन है ये है दी गाम्बिया, ये है ब्रिटिश कॉलोनी छोटा सा और ये है अपना फ्रेंच कॉलोनी। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे सेंट लुइस पे। आगे आज का पहला खाना या फिर कह सकते हो पहला टिपिकल सेनेगलिस खाना कुछ ही नहीं है, चावल है, मोटा दाने का चावल, बहुत सारा प्याज जो कि मेरे को पसंद है और चिकन। ये प्लेट मैंने लिया 2000 सिपा में। अभी 2000 सिपा का मतलब क्या होता है? 2000 सिपा मतलब होता है 280 रुपये। इस लोकल से रेस्टोरेंट में हूँ हम लोग और अभी खाने वाले हैं 2000 सिपा दे के यहाँ का खाना, लोकल खाना। खाना क्या दिखाना बाद में मिलते हैं। और यहाँ पे मैं अभी 1-2 घंटे से बैठा था क्योंकि यहाँ पे आयोबोलैंड ऐप ने किसी ने बताया कि यहाँ पे इस होटल का वाईफाई बहुत फास्ट है और इसका कोड ये है, तो ऐप पे लिख दिया। मैं यहाँ पे आया, चेक किया और वाईफाई में मस्त वीडियो अपलोड कर दिया, सब कुछ कर दिया इंस्टाग्राम में, तो मज़ा आ गया। अभी वापस चलते, शाम के बज के 6:30 और हम लोग जाते हैं वापस होस्ट के घर ये कॉलोनी साइड छोड़ के। बहुत सुंदर है, सनसेट हो गया, अभी ठंड लगने लगा है। मैंने सिर्फ ये पहना है, टेम्परेचर है 20-22 डिग्री, तो हम लोग को निकलना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे बहुत भीख मांगते हैं, बहुत, इतना भीख मांगते हैं मैं मतलब मना करते करते थक गया, बहुत भीख मांगते हैं। को इग्नोर करो, एक को भी पैसे दोगे तो सब आके चपट लेंगे मुँह, क्योंकि ये बंदा आसानी से पैसे मिल जाएगा, तो किसी को भी पैसे मत दो। और बेस्ट तो बेस्ट है कि बस आई कॉन्टेक्ट ही मत करो, बस इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दोगे तो सही रहेगा। स्कूल है यहाँ पे, एक जन ने बताया कि वेस्ट अफ्रीका में सबसे पहला फ्रेंच स्कूल यहीं पे है सेंट लुइस पे मेरे पीछे इस एरिया में। तो स्कूल वूल है, लोग पढ़ाई नहीं करते क्योंकि लगता है कि भीख मांगने से आसानी से पैसे मिल जाएंगे। अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस करके फिर से चलेंगे आइलैंड सेंट लुइस से मेनलैंड सेंट लुइस तक। तो बहुत सारे बोर्ड दिखे अभी मेरे को, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ओवरलैंडिंग कार्ड्स दिखे। तो 4x4 लेके लोग यूरोप से आ जाते हैं सेंट लुइस और सेंट लुइस के बाद चले जाते हैं डकार और डकार के बाद शायद जाते हैं गाम्बिया। उसके बाद जनरली टूरिज्म वेस्ट अफ्रीका का ख़त्म हो जाता है इधर, फिर जाते हैं गिनी और कोनाकड़ी, सीरालियोन और लिबेरिया। ये चारों कंट्री हर कोई अवॉइड करते हैं, माली हर कोई अवॉइड करता है। और फिर आता है आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, ये चारों कंट्री में फिर से टूरिज्म आता है, टूरिस्ट में फिर टूरिस्ट जाते हैं। तो ऐसा हालत है वेस्ट अफ्रीका में टूरिज्म में। मेरा टारगेट है मैं टोटल 12 देश करूँगा जिसमें से 2 हो चुका है, ये तीसरा है, तो 15 हो सकते हैं बट 12 पक्का है। आप लोग का साथ रहा और वीडियोस में अगर व्यूज़ आ रहे हैं ये सब वीडियोस में तो पैसे आ रहे तो कॉन्फिडेंस आ रहे, क्योंकि ये सब जगह ट्रैवल करना ईजी नहीं है, बहुत महंगा है, स्पेशली वीज़ा वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह। बाकी ये बहुत ही विंडी है, बहुत हवा आ रहा है और मेरे को बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे, तो मेरे को ठंड अवॉइड करना है और विंड अवॉइड करना है। तो मैं फटाफट जाता हूँ रूम, जाता हूँ जैकेट लेता हूँ और जैकेट लेके फिर बाहर निकलूँगा। रात को शायद रात को देखने को मिलेगा 50 फ्रैंक, यानी कि आपका मान लो कितना हो गया हिसाब लगा लो, 50 फ्रैंक का लगाएगा यहाँ पे खाने का, लेकिन कॉफ़ी पीने के लिए 50 फ्रैंक का मतलब हो गया कैफे नेस्कैफे का सिर्फ 7 रुपये में। बहुत दिन बाद ऐसा कुछ मिला कि जिसका दाम 10 रुपये से भी कम हो, 7 रुपये में ये कॉफ़ी मिला हम लोगों को। इसका बहुत ही मीठा है और वही अपना नेस्कैफे का पाउडर डाल के दिया है, पर 7 रुपये में मिल रहा है जो कि बहुत सस्ता है, 7 रुपये बहुत सस्ता है। तो 7 रुपये में इंडिया वाली फीलिंग आएगी कि 7 रुपये का चाय, 5 रुपये का चाय पी रहा हूँ, वैसे ही कॉफ़ी पी रहा हूँ।
देख सकते हो कितने बड़े बड़े आंख है। बहुत बड़े बड़े आंख है मछली का। इधर मछली बाजार है। अभी मैं एक मछुआरे से मिला था, वो बोल रहा था कि यहाँ पे मछली का बाजार थोड़ा कम है, सारे मछली खत्म हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे तेल का माइनिंग चल रहा है और बहुत सारे जापानीज और चाइनीज शिप्स है बगल में, तो इन लोगों को मोर्टिनियन एरिया में जाना पड़ता है चोरी छुपे मछली पकड़ने के लिए। पर देखो कितने बड़े बड़े मछली है। तो यहाँ पे कॉफी बन रहा है बहुत हाई क्वांटिटी में और ये लोग रास्ते में चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने भी दे दिया 100। यहाँ पे हर कोई कॉफी दे रहा है और सेंटुबा जो है यहाँ का उसका कुछ फेस्टिवल है, उसके लिए ये मेरा होस्ट है पैसे कलेक्ट कर रहे है। यह मेरा होस्ट का घर। ये घर बाकी सेनेगल घर के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है, हालांकि पानी सिर्फ कुछ ही वक्त आता है। वेस्टर्न टॉयलेट बहुत कम दिखेंगे अभी हम लोगों को, अभी ज़्यादातर हम लोगों को इंडियन टॉयलेट ही दिखेंगे। तो ये थोड़ा मॉडर्न हाउस है, बेड अच्छा है, मेरे को बेड में सोने को दिया है, बट ये उतना कैमरा में आना पसंद नहीं करते। अभी मैंने लिया है पानी का बॉटल, ये था 400 सिफा। 400 सिफा का मतलब हो गया, ये कैलकुलेशन बहुत सर्द हद करेगा, 40 × 4 × 4 = 16। वाह, 1.5 लीटर का बोतल ऑलमोस्ट 55 रुपये का, महंगा है। मेरे को लगा पानी सस्ता होगा, बाकी जिस तो सस्ता नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी सस्ता मिला, बाकी कुछ भी सस्ता नहीं मिला। अभी मैंने हॉस्टल में मेरे लिए लाया यहाँ पे एक सैंडविच सा, अंदर कुछ छोले टाइप के डाले हैं देख सकते हो, तो खा के देखते हैं कैसा है। फुटबॉल खेल रहे लोग यहाँ पे सेनेगल पे सैंडविच पे। फुटबॉल बहुत ही कॉमन गेम है, सेनेगल वर्ल्ड कप में भी कुछ साल अच्छे किया था और यहाँ पे यूथ ओलंपिक्स भी होल्ड किया गया था 2019 में या फिर 22 में, तो अफ्रीका कप भी सेनेगल में हेल्ड किया था। तो यहाँ पे फुटबॉल का बहुत चल है। तो ये पकौड़ा लिया मैंने 14 रुपये में, 5 पकौड़े प्याज के सॉस के साथ, आशा करता हूँ इसमें हीट ना रहे। आज मेरा तीसरा दिन है सेंट लुइस में और सेनेगल में। सेंट लुइस के कॉलोनियल आइलैंड में आ गया हूँ और इस वाले जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है सेनेगल का फ्लैग, ये सेनेगल का फ्लैग, रेड येलो ग्रीन और बीच में एक ग्रीन स्टार, अगर आप देखोगे ऐसे तो ऐसे होना चाहिए फ्लैग। हम लोग हैं इस जगह पे जहाँ पे मेरे दूसरे काउचसर्फिंग हाउस का घर है। एक सेम हाउस के घर मेरे को ज़्यादा लंबा उनका पसंद नहीं है और मैं बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ सेंट लुइस में। और क्योंकि आज ईद है, आज और कल ईद है, कुछ लोग यहाँ पे इंडिया में आज मना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कल मनाएंगे, तो आज और कल ईद है तो सब कुछ बंद है। तो मैं सोच रहा हूँ सेंट लुइस में रुको, डकार में जाऊँगा संडे या फिर मंडे को, क्योंकि डकार में मेरे को ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं और डकार में मेरे को वीज़ा लेने हैं। पर एक चीज़ आपको बताऊँ, सेंट लुइस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जो अफ्रीका राज करता था, अफ्रीका में जो फ्रांस राज करता था वेस्ट अफ्रीका में, उसका जो मेन हेडक्वार्टर या फिर कैपिटल वो सेंट लुइस ही था। ये जो कॉलोनियल टाल देख रहे हो, यहाँ से फ्रांस के लोग राज करते थे पूरे अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में यहाँ से राज होता था क्योंकि ये था कैपिटल। बहुत सालों बाद जब इंडिपेंडेंस मिल गया तब कैपिटल यहाँ से डकार में शिफ्ट कर गया। फिर सेनेगल को और माली के साथ मालियन फेडरेशन करके, मतलब फ्रांस से आई थिंक इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था 1961 में, उसके बाद मालियन फेडरेशन हुआ। जब 1961 में फ्रांस चला गया तो माली, सेनेगल, गाम्बिया और 2-3 ऐसे एरियाज मिलके एक देश बन गए। पहले के टाइम में ना बहुत कम देश हुआ करते थे, फिर बीच में इनका बंटवारा हो गया कि नहीं हम लोग साथ नहीं रह सकते, अलग अलग लोग हैं, तो माली ने अपना खुद का माली बना लिया और सेनेगल और गाम्बिया मिलके एक देश बन गए।
और फिर सेनेगल गाम्बिया भी देखा नहीं, ये फ्रेंच में बात कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नहीं बनेगा। तो गाम्बिया ने अपना खुद का देश फिर से बना लिया और फिर सेनेगल अकेले अपना देश बन गया। सेनेगल ऐसा ही है, बट ये सारे कंट्रीज ही इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं। बट अगर मैं कंपेयर करूँ ऊपर से मोरक्को या फिर मॉरिटानिया से, तो यहाँ पे बहुत चिल्ड है, यहाँ पे उतने रूल्स माने नहीं जाते। और यहाँ पे एक और चीज़ खास है, जो कि यहाँ का आर्ट और यहाँ का फैशन। डकार में सबसे बड़ा फैशन वीक होता है और सेनेगल का आर्ट और फैशन बहुत ही फेमस है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक दुकान पे आ गए जहाँ पे बहुत सारे फैशन की चीज़ें बन रही हैं, बहुत ही सुंदर हैंडक्राफ्टेड। तो मेरे को कुछ तो लेना है, एक कपड़ा तो लेना है। शायद यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का मिलता है, जहाँ पे लड़कों का मिलेगा वैसे एक अफ्रीकन स्टाइल में कपड़ा ज़रूर लूँगा। तो एक दुकान पे आ गए और मैं यहाँ पे देख के शॉक्ड हो गया कि यहाँ पे मिल रहा है चिकन करी, चिकन तंदूरी 2,500 में। 2,500 का मतलब हो गया आप कर लो लगभग लगभग 400 रुपये, बट एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा तो बोला तंदूरी या फिर करी नहीं है। तो मैंने लिया चिकन शवरमा, पुलेट शवरमा, वो पड़ा मेरे को 2,000 का, 2,000 यानी 180 रुपये का। खाते हैं और इसके साथ फ्राइज भी मिलेगा। एक तो इतना छोटा सा शवरमा, ऊपर से शवरमा में अंडा कौन देता है भाई, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े वाटर टैंक, पानी की अभी तक मेरे को ये कमी खास महसूस नहीं हुई, ऑल्दो ये दोनों वाटर टैंक टूटे हुए हैं। अपने इंडिया में भी ऐसे वाटर टैंक्स हुआ करते थे, आज के दिन में यूज़ होता कि नहीं पता, बट यहाँ पे है कॉलोनियल इंडिया भी है और ये भी है। बस डिफरेंस ये है कि इंडिया में और एशिया में ज़्यादातर जगह पे ब्रिटेन ने राज किया और अफ्रीका में ज़्यादातर जगह में फ्रांस ने राज किया। आने वाले जितने भी कंट्रीज आने वाले हैं और पिछले भी जो 2 घंटे थे सब फ्रांस वाले ही थे। ये फ्रांस जहाँ जहाँ राज किया है हर जगह बर्बादी किया है, डेवलपमेंट बहुत कम किया है, बर्बादी ज़्यादा किया है। मेरा पहला एग्जांपल था जब मैं गया था लैटिन अमेरिका में, वहाँ पे एक आइलैंड था डोमिनिकन रिपब्लिक और हाइती। डोमिनिकन रिपब्लिक था स्पेन के अंदर और हाइती था फ्रांस के अंदर। हाइती की हालत बहुत ख़राब, वही बगल वाला देश सेम आइलैंड में डोमिनिकन रिपब्लिक, उसका हालत बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एशिया में ब्रिटेन या फिर कोई और राज करने आया था तब वो लोग बहुत बाद आए, मतलब 200 साल पहले 250 साल पहले आए इंडिया में राज करने, पर फ्रांस बहुत साल पहले राज करता था, 400 साल 500 साल पहले। तब कोई रूल नहीं माना जाता, तब ये लोग खुद को कुछ पता नहीं था, एडुकेशन नहीं था और ह्यूमन राइट्स का कोई नाम नहीं था। तो जहाँ पे जाता था एकदम चूस के, एकदम लूट के, एकदम हालत ख़राब कर देता था। तो फ्रांस वाले जहाँ जहाँ राज किए हालत ख़राब है, तो इसलिए अफ्रीका में बहुत जगह पर हालत ख़राब है। पर जहाँ पर ब्रिटेन ने राज किया, यहाँ पर स्पेनिश वालों ने राज किया, उन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी मारा पीटा, बट उतनी ब्रूटल तरीके से नहीं किया जितना फ्रांस वालों ने किया, इसलिए हालत वो सब कंट्रीज में बढ़िया है कंपेयर टू अफ्रीका। ये जो नदी बह रहा है ये एक्चुअली अपना सेनेगल नदी है, सेनेगल नदी जो कि सेनेगल के नॉर्थ में है और सेनेगल और मॉरिटानिया को डिवाइड करता है। बट ये सिर्फ सेनेगल और मॉरिटानिया को डिवाइड नहीं करता, ये अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये डिवाइड करता है ऊपर का सहारन ड्राई अफ्रीका और नीचे का ट्रॉपिकल ग्रीन अफ्रीका। तो ये सेनेगल नदी के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं सारे अरबिक कंट्रीज हैं और सारे ड्राई और मतलब गर्म जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है वैसे कंट्रीज से। बट नीचे सेनेगल और उसके नीचे जितने भी कंट्रीज आने वाले हैं, गिनी या फिर आइवरी कोस्ट या फिर स्री लियोन या फिर जितने भी कंट्रीज आने वाले, हर जगह हरियाली है, जंगल है, तो फसल उगता है तो अलग है। तो ये सेनेगल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री में, लोग कौन से साइड में रहते हैं और कौन से में रहना चाहते हैं ताकि वो कर सकें, क्या कहते हैं, हार्वेस्ट कल्टीवेशन फार्मिंग। तो ये नदी यहीं पे सेंट लुइस पे आके समुद्र पे मिलता है और डायरेक्टली नहीं मिलता है, थोड़ा घूम घूम के मिलता है, उसी वजह से इम्पोर्टेंट है। पैलेस द जस्टिस यानी कि ये यहाँ का कोर्ट होगा, यहाँ का कोर्ट ऑफ जस्टिस।
अभी शायद बंद है या फिर ऐसा हालत है नहीं पता। कितना जस्टिस फ्रेंच राज पे मिलता था हम लोग को तो नहीं पता, बस अभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे को जस्टिस मिल जाए वो काफ़ी है। ये सब कंट्रीज में अपना है ट्रैवल इंश्योरेंस भी काम नहीं करता शायद, क्या पता जो होगा देखा जाएगा। मामा अफ्रीका मेरा ध्यान रखेगा। तो जब फ्रेंच आए थे यहाँ पे तो यहाँ पे बादाम का बहुत काम चला रहा था, तो यहाँ पे मीठे वाले बादाम, अपने साधारण बादाम और अपने काजू सब मिल रहे हैं। बहुत गाड़ी आ रहा है, ऐसे शीशों में बादाम बिक रहा है यहाँ पे, रास्ते में हर जगह बादाम मिलेगा। इनफैक्ट बादाम का पेस्ट बना के सॉस बना के भी बादाम का खाते हैं। अभी ये बादाम बिक रहा है 100 फ्रैंक में। 100 फ्रैंक का मतलब हो गया अराउंड 14 रुपये। और ये काजू बिक रहा है 1000 फ्रैंक में, यानी कि 140 रुपये का। मैं 140 रुपये का काजू तो नहीं खरीद सकता, पता हाँ 14 रुपये का बादाम तो ज़रूर खा सकता हूँ। देख के तो सही नहीं लग रहा है, देख के तो हालत ख़राब लग रहा है, बट ऐसा खुला रहेगा। नो इट्स 1000 मी दिस 1000 दिस 100। ये 100 का लेता हूँ, लोग आ जाएंगे यहाँ पे आपको और चुना लगाने के लिए। अरे अफ्रीकन बादाम बहुत स्वादिष्ट है, देखो अगर खोलोगे तो साफ है और स्वादिष्ट है, नमक डालने की ज़रूरत नहीं, अच्छा क्वालिटी का बादाम है। थोड़ा बाली बाली फील है क्योंकि उसको फ्राई करते बाली में, बस स्वादिष्ट है, अच्छा है। मैं तो अभी ख़त्म कर दूंगा इसको। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो जोना कॉलोनी है ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ पे रास्ते में उतने मतलब एक कप तो कुछ ही नहीं है, रास्ता जनरली कंपेरेटिवली बहुत साफ है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में, मतलब जो नहीं किया था नहीं किया था। बाकी एरिया तो बहुत गंदा होता है बट ये एरिया बहुत ही साफ है। कैसे हो गया पता नहीं, कैसे इन लोगों ने अचीव कर लिया इतना साफ सुथरा, आई एम वेरी शॉक्ड। तो ये है रिवर बे और वो है मेनलैंड, और उधर आपको एक बीच मिलेगा। अगर आप उधर देख सकते हो बसेस जा रही है, उधर जाके एक बीच है कुछ होटल्स है, बट मैं नहीं जा रहा। सनसेट होने को आया है और जब भी सनसेट होता है तो बहुत ठंडक लगता है कि टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री 22 डिग्री। तो वापस चलते हैं और इस नए होस्ट के नए घर पर जाते हैं, और कल ईद है, देखते हैं कल ईद में क्या होता है यहाँ पे सेनेगल में। वापस चलते हैं फटाफट। बोजो तू तो पहले कौन हो? यिंदू। इनका नाम यिंदू है और ये मेरे होस्ट मुस्तफा का दोस्त है, तो यही मेरे को आज लेके जाएंगे घर। फिर बाद में ये अपने गांव पे लेके गए अपने फैमिली के साथ, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वो आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में, लिविंग विद सेनेगलीज फैमिली इन सेनेगल। फिलहाल वापस आते हैं सेंट लुइस पे। खूबसूरत संडे में सनसेट हो चुका है और वहीं हम लोग वापस आ गए सेंट लुइस में। मेरे जो होस्ट है वो वापस घर चले गए और मैं जा रहा हूँ उस तरफ आइलैंड की तरफ, क्योंकि आइलैंड में कुछ दोस्त थे, दोस्त लोगों से मिलने जा रहा हूँ जिनसे मैं मिला था मोंटेनिया में। तो अभी क्या होता है, अगर रूट में सेम रूट वाले दोस्त मिले तो उनसे बार बार मिलना होता ही रहेगा। सेम मेरे साथ हो रहा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था बहुत सारे एरियाज़ में दुनिया के, मान लो चिली से लेके बोलीविया तक, या फिर मेक्सिको से लेके पनामा तक, कोलंबिया तक, सेम रूट वाले लोग मिलते रहते। वैसे मिलने वाले फिर से, पीछे देख सकते हो संडे है तो सेनेगलीज़ लोग मज़े कर रहे हैं संडे में, और हम लोग भी थोड़ा संडे का मज़ा कर लेने की कोशिश करेंगे। कुछ नाइट लाइफ मिला तो मिला, वरना घर वापस चलाएंगे। बहुत हो गया सेनेगल का सेंट लुइस, हम लोग को डकार भी जाना है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बियर पी रहे, ये पड़ा 700 का, या 700 का यानी आप लगा लो बहुत लाइट है, 700 का यानी लगा लो आप 14 से मल्टीप्लाई। हमारे साथ है चेक रिपब्लिक से ट्रैवलर्स,
जिनसे हम लोग मिले थे चिंगुइती में, चिंगुइती वाले चेयर्स एंड योर चेयर्स कोका कोला चेयर्स। तो हम लोग कोका कोला बियर पीते यहाँ पे, सैलरी से कल निकल जाएंगे, कल जाएंगे डकार। और बहुत ही सुंदर सा सीरी था, मज़ा आ गया। प्रॉब्ली इन लोगों से फिर से मिलेंगे डकार में या फिर बांजू में, क्या पता।